तो हाँ तो दोस्तों हाजिर आपके लिए एक और नई धमाकेदार वीडियो लेकर। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको S&B की तरफ से आने वाला बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही पावरफुल एम्पलीफायर दिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस एम्पलीफायर की अनबॉक्सिंग करेंगे। आज की वीडियो में आपको इस एम्पलीफायर का पूरा रिव्यू दूंगा। और देखिए दोस्तों, वीडियो में आपको बता दूं, ये बहुत ही पावरफुल 4 चैनल एम्पलीफायर है। और देखिए दोस्तों, इस एम्पलीफायर के साथ में हमें एक बेस रिमोट अलग से देखने के लिए मिलता है। इसी से आपको आइडिया लग रहा होगा कि ये कितना पावरफुल 4 चैनल एम्पलीफायर है। तो दोस्तों, वीडियो आज की बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। कृपया करके आप वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों, जो नए लोग हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये है मेरे पास S&B की तरफ से आने वाले 4 चैनल हाई पावर एम्पलीफायर का बॉक्स, जैसे कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हो। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों बॉक्स पे लिखी गई स्पेसिफिकेशन की। तो ये है दोस्तों इस एम्पलीफायर का फ्रंट साइड, बस यहाँ पर S&B और साउंड ब्लास्ट यहाँ पर लिखा हुआ देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, सीधा ही चलते हैं हम इसकी बैक साइड में। बैक साइड में हमें क्या कुछ देखने के लिए मिलता है, तो इस साइड दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पर S&B की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। 10,000 वाट इसकी मैक्स आउटपुट पावर है। और यहाँ पर एक S&B का 4 चैनल एम्पलीफायर बना हुआ है बॉक्स पर। और ये है इसका मॉडल नंबर SV1004। और दोस्तों, कॉम्पिटिशन सीरीज का ये हमारा एम्पलीफायर है और 4 चैनल मोस्टपेड हाई पावर एम्पलीफायर है ये। इस 4 चैनल एम्पलीफायर के साथ दोस्तों हमें यहाँ पर बेस रिमोट देखने के लिए मिलता है और 1 ईयर की दोस्तों इस एम्पलीफायर की वारंटी होती है। तो यही है दोस्तों बॉक्स पे लिखी गई स्पेसिफिकेशन। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इधर की तरफ से ये हमारा बॉक्स ओपन होता है, जैसे कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हो। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो एम्पलीफायर है, इस बॉक्स के अंदर हमें एक और बॉक्स देखने के लिए मिलता है, जिस पर यहाँ पर टेप की सील लगाई गई है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर ब्रेक कर लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, सील को मैंने यहाँ पर कट कर दिया है। और ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा मेन एम्पलीफायर। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं इस सभी बॉक्स कॉन्टेंट को बाहर निकाल लेता हूँ, फिर आपसे वीडियो में मिलता हूँ। अभी जो बॉक्स कॉन्टेंट है वो सभी मैंने यहाँ पर बाहर निकाल लिया है, जैसे कि आप डिस्प्ले में देख भी पा रहे हो। सबसे पहले दोस्तों, हमें इस एम्पलीफायर का वारंटी कार्ड देखने के लिए मिलता है। चलिए दोस्तों, इसको रखता हूँ मैं अभी यहाँ पर साइड में। और ये है दोस्तों हमारे यहाँ पर कुछ फ्यूज देखने के लिए हमें मिल जाते हैं, और माउंट करने के लिए यहाँ पर कुछ स्क्रू भी दिखाए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको भी साइड में रखता हूँ। और ये है दोस्तों हमारी बेस रिमोट की वायर, और ये है दोस्तों हमारा बेस रिमोट, जैसे कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हो। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। अगर दोस्तों मैं इसकी बेस रिमोट की क्वालिटी की बात करता हूँ, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये यहाँ पर इसकी पिन दिखाई गई है, जहाँ पर जो हमारी वायर है वो इनपुट होती है। तो चलिए दोस्तों, इसको भी रखता हूँ मैं यहाँ पर साइड में। और ये देखिए दोस्तों, ये है इसकी ओनर मैनुअल। तो ये है दोस्तों इस एम्पलीफायर की स्पेसिफिकेशन। सबसे पहले हमें यहाँ पर इसका मॉडल नंबर देखने के लिए मिल जाता है SV1004। अगर दोस्तों मैं इसकी यहाँ पर मैक्स आउटपुट पावर की बात करता हूँ 4 ओम्स पर, तो ये हमें 100 वाट RMS पर चैनल देता है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आपको बता दूँ, जैसे कि आपने अदर कंपनी के यहाँ पर 4 चैनल एम्पलीफायर देखे होंगे, तो दोस्तों वे 100 वाट RMS क्लेम तो करते हैं, लेकिन दोस्तों वे 100 वाट RMS प्रॉपर हमें दे नहीं पाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो हमारा S&B का 4 चैनल हाई पावर एम्पलीफायर है, ये हमें 100 वाट RMS की पूरी पावर देता है। और अगर मैं आपसे यहाँ पर मैक्स आउटपुट 2 ओम्स की यहाँ पर बात करता हूँ, तो 2 ओम्स पर ये हमें 130 वाट RMS पर चैनल देता है। अगर मैं इसके ब्रिज मोड की यहाँ पर बात करता हूँ, अगर देखिए दोस्तों, हम इस एम्पलीफायर को ब्रिज करते हैं, तो ब्रिज करने पर ये हमें 4 ओम से 270 वाट RMS देता है। और जो इसका TDA है वो है यहाँ पर 0.15%। अगर मैं यहाँ पर फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स की बात करता हूँ, तो +2 dB और 10 हर्ट्ज से 30 किलो हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी हमें देखने के लिए मिल जाती है। सिग्नल टू रेडियो जो है वो 90 dB है। अगर मैं इसकी सेंसिविटी की यहाँ पर बात करता हूँ, तो यहाँ पर 250 mB यहाँ पर दिखाया गया है। अगर मैं रिकमेंड फ्यूज की यहाँ पर बात करता हूँ, तो 40 एम्पियर के 2 फ्यूज देखने के लिए मिल जाते हैं। इसी से आपको आइडिया लग रहा होगा कि ये कितना पावरफुल 4 चैनल एम्पलीफायर है। अगर मैं यहाँ पर इनपुट वोल्टेज की बात करता हूँ, तो 12 वोल्ट पे ये ऑपरेट होता है। और ये यहाँ पर इसकी कुछ डायमेंशन दिखाई गई है। तो यही है दोस्तों इस एम्पलीफायर की सारी स्पेसिफिकेशन। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी मेन यूनिट की तरफ। तो ये है दोस्तों हमारे पास 4 चैनल एम्पलीफायर S&B की तरफ से आने वाला। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं इस एम्पलीफायर को पॉलीथीन से बाहर निकाल लेता हूँ, फिर आपसे वीडियो में मिलता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, अभी जो एम्पलीफायर है वो मैंने यहाँ पर पॉलीथीन से बाहर निकाल लिया है, जैसे कि आप डिस्प्ले में देख भी पा रहे हो। अगर मैं एम्पलीफायर के यहाँ पर कलर की बात करता हूँ, तो ब्लैक कलर का ये एम्पलीफायर है, और जो इतना आप यहाँ पर एरिया देख पा रहे हो, ये गोल्डन कलर है।
और दोस्तों ये जो आप एस एंड बी देख पा रहे हो इसको मैं यहाँ पर फिल कर पा रहा हूँ। और देखिए दोस्तों अगर मैं आपसे इस एम्पलीफायर के बेट की यहाँ पर बात करता हूँ तो दोस्तों इस एम्पलीफायर के अंदर बेट बहुत ज्यादा है जो कि दोस्तों एक अच्छे एम्पलीफायर की निशानी है। तो ये है दोस्तों इसका फ्रंट एम्पलीफायर का। और दोस्तों फ्रंट में हमें यहाँ पर ये जो आप लाइनिंग देख पा रहे हो यहाँ पर दोस्तों काफी तकड़ी हमें ये हीट सिंक देखने के लिए मिल जाती है। ये जो एरिया है दोस्तों ये इसका जो पूरा एरिया है ये इसका हीट सिंक है। तो चलिए दोस्तों आप चलते हैं इसकी साइड में, साइड में हमें क्या कुछ सेटिंग वगैरह देखने के लिए मिलती है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसकी पहली साइड। तो ये देखिए दोस्तों ये है इस एम्पलीफायर की पहली साइड। तो सबसे पहले दोस्तों हमें चारों चैनल की यहाँ पर RCA इनपुट पिन देखने के लिए मिल जाती है। अगर मैं यहाँ पर सेटिंग की यहाँ पर बात करता हूँ तो ये दिखाई गई है हमारी चैनल 1 और 2 की सेटिंग, ये है हमारे 3 और 4 चैनल की सेटिंग। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम इसके गेन की, तो सबसे पहले हमें गेन की नोब देखने के लिए मिल जाती है। ये है दोस्तों इसकी LPF की नोब, इसको आप 32 हर्ट्ज से 300 हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी तक ले जा सकते हो। और ये दोस्तों यहाँ पर हमें एक क्रॉसओवर देखने के लिए मिल जाता है जिसको आप LPF या फिर फुल या फिर HPF पर रख सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर हमें HPF की नोब और देखने के लिए मिल जाती है जिसको आप 32 हर्ट्ज से 2 KHz तक की फ्रिक्वेंसी तक ले जा सकते हो। ये यहाँ पर हमें ट्रेवल बूस्ट की नोब देखने के लिए मिल जाती है और ये यहाँ पर हमें बेस बूस्ट की नोब भी देखने के लिए मिल जाती है। इन दोनों को आप 0 dB से 12 dB तक ले जा सकते हो। और जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये हमें RCA आउट देखने के लिए मिल जाती है। अगर देखिए दोस्तों इस एम्पलीफायर से आपको एक और यहाँ पर एम्पलीफायर को जोड़ना हो तो आप यहाँ से RCA आउट ले सकते हो। और दोस्तों साइड में हमें यहाँ पर एक LED इंडिकेशन देखने के लिए मिल जाता है। और दोस्तों ये है हमारे बेस रिमोट का इनपुट सॉकेट। और दोस्तों कुछ इसी तरह की जो हमारी सेटिंग है वो चैनल 3 और 4 की भी देखने के लिए मिल जाती है नीचे की तरफ। तो ये है दोस्तों इस एम्पलीफायर की दूसरी सेट जैसे कि आप डिस्प्ले में देख भी पा रहे हो। तो सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ पर पावर की इनपुट देखने के लिए मिल जाती है जो कि दोस्तों 4 gauge के यहाँ पर इनपुट दिखाई गई है। ये है इसका ग्राउंड, ये है इसका रिमोट केबल, ये है इसकी 12 वोल्ट की सॉकेट। और 40 एम्पीयर के दोस्तों हमें यहाँ पर 2 fuse देखने के लिए मिल जाते हैं। और दोस्तों ये है हमारे स्पीकर और सबवूफर के आउट कनेक्शन। तो ये है हमारे चैनल 3 और 4 के कनेक्शन, ये है हमारे चैनल 1 और 2 के कनेक्शन। और देखिए दोस्तों जितने भी यहाँ पर ये टर्मिनल दिखाए गए हैं ये काफ़ी हैवी यहाँ पर हमें टर्मिनल देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यही है दोस्तों इस एम्पलीफायर की सारी सेटिंग और सारी स्पेसिफिकेशन, क्या कुछ देखने के लिए मिलता है सभी कुछ मैंने आपको बताया है। तो अब बात करते हैं दोस्तों आप इस एम्पलीफायर पर कौन से सबवूफर और कौन से स्पीकर चला सकते हो। तो देखिए दोस्तों आप इस एम्पलीफायर पर किसी भी कंपनी का सबवूफर चला सकते हो, चाहे आपके पास सोनी का सबवूफर हो, JBL का सबवूफर हो, पाइनियर का सबवूफर हो, सिंगल कोयल हो या फिर डबल कोयल हो, कोई सी भी कंपनी का दोस्तों आप इस पर एक सबवूफर और किसी भी कंपनी के 2 स्पीकर एक साथ चला सकते हो। और देखिए दोस्तों अगर आप इस एम्पलीफायर की परफॉर्मेंस वीडियो देखना चाहते हैं, सिंगल कोयल सबवूफर पे इसकी परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं या फिर ड्यूअल कोयल सबवूफर पे इसकी परफॉर्मेंस वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों वो भी आपको कमेंट कर देना है। नेक्स्ट वीडियो मैं दोस्तों आपके लिए इसकी परफॉर्मेंस पे बना दूंगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों इस एम्पलीफायर के खरीदने की। यदि दोस्तों ये एम्पलीफायर आप मुझसे खरीदना चाहते हो तो मेरी शॉप का एड्रेस और मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। और यदि दोस्तों आप इस एम्पलीफायर के अलावा कुछ अच्छे एम्पलीफायर को ऑनलाइन खरीदना चाहते हो तो कुछ अच्छे एम्पलीफायर के ऑनलाइन खरीदने के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहे तो उन एम्पलीफायर को वहां से भी जाकर खरीद सकते हो। तो दोस्तों ये एम्पलीफायर आपको कैसा लगा है ये आपको कमेंट करके बताना है। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी है ये भी आपको कमेंट करके बताना है। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों जो नए लोग हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की नॉलेज वाली वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले और सबसे पहले आप वीडियो को देख पाएं। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।